हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू एन एकेडमी, लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं कस्टडियल डेथ पे आया नया केस जिस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। ये टॉपिक कोई नया नहीं है। कस्टडियल डेथ एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जिस पे टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशंस के थ्रू गाइडलाइंस दी है। इसी के चलते इस पर एक्ट भी बनाए गए पुलिस ऑफिसर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन फिर भी ये इशू आए दिन हमारे सामने आता है कई केस लॉज के रूप में। तो इसी के चलते रिसेंटली एक नया केस आया था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहेल्ड करा है ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को, जिसमें उत्तर प्रदेश के पुलिस ऑफिसर्स को सेंटेंस सुनाया गया है टू 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर कस्टडियल डेथ एक 26 साल के लड़के को लेके जिसका नाम था सोनू। ये केस है आपका रिलेटेड टू, इस केस का नाम जो है दैट इज प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर इस केस के फैक्ट्स क्या थे, ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने क्या किया और कौन कौन से केसेस को रेफर किया गया था इस जजमेंट पे पहुंचने के लिए। बिफोर दैट 6 जुलाई से हमारा क्लैट पीजी और बाकी LLM एग्जाम्स के लिए सेकेंड बैच अचीवर्स का लॉन्च हो रहा है। आपने अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप मेरा रेफरल कोड MSingh10 यूज करके एनरोल कर सकते हो एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको मिलने वाला है इसमें 25% तक का अगर आप बिफोर 30th June एनरोल कर लेते हो। 30th June से पहले अगर आप एनरोल करोगे इन तीनों में से किसी भी प्लान में तो आपको मिलेगा 25% तक का ऑफ सारे सब्सक्रिप्शन पर। आपको बस यूज करना है मेरा कोड MSingh10। बट अगर 30th June के बाद आप करते हैं तो आपका ये रेगुलर प्राइस लगेगा, दैट इज ये 18 months, 12 months और 6 months के लिए जो रेगुलर प्राइस आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाने वाली हूँ। 6:30 पे हर MWF पे मेरी क्लास यहाँ पर होगी। प्लस अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए अप टू 90% तो आप 2nd of July को दीजिए हमारा ऑल इंडिया क्लैट पीजी फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट। 2 बजे ये टेस्ट होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ ये QR कोड स्कैन करना है और आप रजिस्टर कर सकते हैं फ्री में। एंड देन यू जस्ट हैव टू अपीयर एट 2 PM ऑन 2nd of July फॉर दिस स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप टॉप रैंकर्स में आते हैं तो आपको 90% ऑफ द स्कॉलरशिप मिल जाएगी हमारे कोर्स के लिए। आपने एक बार क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम अगर ज्वाइन कर लिया तो आपको बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे कि आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा अपनी अपनी स्पेशलाइज फील्ड में। सेकेंड थिंग, आपको डेली लाइव क्लासेस का मौका मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस होंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की। यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट मिलेगा, आपको क्विजेस मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इन क्लास PDF आपको प्रोवाइड करी जाएगी अलॉन्ग विद द केस लॉ एनालिसिस। इस टाइम पर YouTube चैनल पे हमारा डेली केस एनालिसिस का एक पैटर्न चल रहा है जिसके चलते आज मैं फिर एक नया केस डिस्कस करने वाली हूँ। अगर इन केस लॉज के दौरान जो नोट्स डिस्कस होते हैं अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आप ये QR कोड स्कैन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा नोट्स का। प्लस टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इसको स्कैन करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी LLM से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी, हमारे कोर्सेज के बारे में भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं आज के टॉपिक। आखिर मैंने कहा कि हम बात करेंगे कस्टडियल डेथ के बारे में, ठीक। कस्टडियल डेथ जो रिसेंट में एक केस में देखी गई, इस केस के फैक्ट्स क्या थे आखिर, जब दिल्ली हाई कोर्ट के पास आखिर ये केस आया कहाँ से, बात कहाँ से शुरू होती है, इन सब के बारे में वी विल डिस्कस इन डिटेल टुडे। सबसे पहले क्या होता है, एक FIR रजिस्टर हुई थी आपकी 2nd of September 2006 को, ठीक। मतलब कि ये कब का केस है, यह आपका 2006 का केस है। तो 2 सितंबर 2006 को एक FIR रजिस्टर होती है पुलिस स्टेशन सेक्टर 20 नोएडा UP में, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा एक एक सेक्टर पर कि मामला क्या है। सेक्टर 20 नोएडा पे ये FIR रजिस्टर होती है, 2006 की बात है, 2nd of September को, अंडर सेक्शन 302 IPC, ठीक। 302 IPC के चलते हुई है, बेस्ड ऑन अ रिटन कंप्लेंट। एक रिटन कंप्लेंट थी, किसकी थी, दलबीर सिंह की, जो फादर थे डिसीज के, ठीक। ये फादर थे डिसीज के ना। कंप्लेन में ये लिखा हुआ था कि 1st of September को जस्ट एक दिन पहले 6 बजे शाम को नोएडा पुलिस जो थी, जो सिविलियन क्लोथिंग में थी, जो सिविल क्लोथ्स पहने हुए थी, इन्होंने इनके लड़के को सोनू, जिसका नाम था @SomVeer, उसको विलेज से लेके जाते हैं, ठीक। शाम को एक दिन पहले 6 बजे की बात है, उसको पुलिस वाले आते हैं, उन्होंने सिविल ड्रेस पहन रखी थी और उनके लड़के को ले गए। नाउ 2nd September की मॉर्निंग को क्या होता है कि दलबीर सिंह को पता चलता है
पुलिस स्टेशन खुर्जा देहात, यहां से उनके पास फोन आता है कि सोनू ने सुसाइड कर लिया, पुलिस स्टेशन सेक्टर 20 नोएडा यूपी में। ठीक, इनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है नेक्स्ट मॉर्निंग। नाउ जब दलबीर सिंह पुलिस लोकेशन पे पहुंचते हैं पोस्टमार्टम की, ठीक है, अलॉन्ग विद द अदर विलेजर्स, वो साथ में अपने लोगों को भी लेके जाते हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि सोनू की बॉडी पे कुछ चोट लगी हुई है, कुछ निशान है, इंक्लूडिंग उसके कानों के पास एक बर्न मार्क है। ठीक, तो ये इंजरीज नई थी, ये बिल्कुल ताजी लग रही थी उसके फादर को। दलबीर सिंह को लगा यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, दाल में तो कुछ काला है, एंड ही बिलीव्ड कि उनके सन को जो है पुलिस ने मारा है आफ्टर बीइंग टॉर्चर, काफी टॉर्चर किया गया और उसके बाद उसको जान से मार दिया, एंड इंसिडेंट को इस तरीके से बना दिया गया कि भाई यहाँ पर सुसाइड हुई है। समझ में आया क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बेसिकली उन्होंने सुसाइड का रूप दे के फोन किया उसके फादर को, लेकिन जब उसके फादर ने ऑब्जर्व करा बॉडी को तो उनको ये समझ में आ गया कि इसको टॉर्चर किया गया, टॉर्चर करने के बाद ये मर गया है। नाउ जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो चार्जशीट फाइल होती है एक्यूज पर्सन के खिलाफ। एक्यूज पर्सन कौन थे यहाँ पर? पुलिस ऑफिशियल्स। ठीक है, नाउ चार्जशीट में ये क्लियरली मेंशन था कि जो एक्यूज था, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, ये सोनू को लेके गए थे, 26 साल का ये लड़का था, 6:30 के अराउंड लेके गए थे, ठीक है, 1st of September को, एंड फ्रॉम हिज हाउस वाइल देवर इन सिविलियन क्लोदिंग। जो बात उसके फादर ने कही वही बात यहाँ पर चार्जशीट में क्लियरली मेंशन कर दी जाती है। ठीक, CBCID ने इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर करी इनके केस की। फिर उन्होंने क्या किया, जब वो वहां से लेके आए उसके घर से उसको 6:30 शाम को, तब वो उसको लेके जाते हैं पुलिस चौक की निठारी में, Sector 31 नोएडा। समझ रहे हैं आप, 20 में वो पाया गया है, 31 पुलिस चौक की निठारी लेके गए हैं उसको वहां से, इन द प्राइवेट व्हीकल। एक तो सिविल ड्रेस में आए थे, दूसरा प्राइवेट व्हीकल में आए थे। ठीक, और किस गुनाह के लिए लेके गए, कौन सा केस बन रहा था? उन्होंने कहा भाई तुम रॉबरी में इन्वॉल्व थे, 392 IPC रॉबरी का केस उसके ऊपर लगा के उसको अरेस्ट कर ले गए। ठीक है, और क्या कहा कि तुमने रॉबरी करी थी Sector 39 नोएडा में। अब अलग अलग सेक्टर्स की यहाँ पे बात हो रही है, Sector 39 नोएडा में जो रॉबरी हुई है उसके चलते उसको अरेस्ट करके सोनू को ले जाते हैं प्राइवेट व्हीकल में, कहाँ लेके गए, पुलिस चौकी निठारी Sector 31 में। अब 2nd of September 2006 को उसको कहाँ पाया गया, Sector 20 नोएडा के लॉकर में उसको पाया गया कि भाई फांसी से लटका दिया। ठीक, अब एक पुलिस चौकी लेके गए हैं, दूसरे पुलिस थाने में उसको पाया जा रहा है, एंड क्या कहा गया कि भाई इसको पाया गया लटका हुआ 3:25 पे। ठीक, नाउ चार्जशीट में क्लियरली कहा गया कि ये फॉल्स इम्प्लीकेशन जो था रॉबरी केस में, उसको झूठे जो फंसाया गया, एंड जो एट्रोसिटीज पुलिस ने कमिट करी, सोनू ने फिजिकल एंड अनबियरेबल मेंटल स्ट्रेस फेस किया जिसकी वजह से उसने सुसाइड कमिट कर ली खुद को हैंग करके एट अराउंड 5:30 AM। ठीक, अब समझिए यहाँ पर क्या है, थोड़ी बातें क्या हो रही हैं, क्लियर नहीं पता चल पा रहा था कि उसने सुसाइड करी है या मर्डर करके उसको लटका दिया गया। ठीक, तो चार्जशीट में क्लियरली ये कह दिया कि हाँ भाई वो बच्चा शायद इनोसेंट था, उसको गलत केस में फंसा दिया था, तो इससे थोड़ा वो प्रेशराइज हो गया, एंड दूसरा जो पुलिस ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसको एट्रोसिटीज करी, तो उसने बहुत ही मेंटल स्ट्रेस ले लिया, फिजिकली वो परेशान हो गया, एंड उसको मेंटली भी बहुत टॉर्चर किया गया जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली और खुद को उसने लटका लिया, फांसी लगा ली 5:30 PM। इन इवेंट्स पर बेस्ड होके जो चार्जशीट है वो अक्यूज के अगेंस्ट फाइल होती है अंडर सेक्शन 342, 320, 306, 167, 218 एंड 34। ठीक है, अब इसमें पुलिस ऑफिसर जब कोई क्राइम कमिट करता है इसमें वो वाले सेक्शंस भी आपके मौजूद हैं, दूसरे अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड वाला भी मौजूद है यहाँ पे, अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, एंड देन आपका यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट भी आ जाता है। ठीक, ये तरह इन सब चीज़ों से इंक्लूड करके इसके बेसिस पर चार्जशीट बना दी गई। अब होता क्या है, 2011 पे आते हैं, 2011 की बात है, 19 दिसंबर को कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करें सारे अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट, सारे जितने लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, उनके ऊपर फाइनल जो चार्जेस लगते हैं वो क्या लगते हैं, देखो चार्जशीट में ये सब लिख दिया, चार्जशीट में तो पुलिस ने अपने आप को बचाया, मतलब CBCID ने उनको जो जो चार्जेस लगे उन्होंने फ्रेम कर दिए, लेकिन फाइनली कोर्ट जो है वो चार्जेस फ्रेम करती है, कौन कौन से, 302 मर्डर वाला करती है, 364 वो करती है किडनेपिंग वाला, 120B जो है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एंड 34 आपका कॉमन इंटेंशन। ये सारी चीजें इसके तहत जो है चार्जेस फ्रेम कर दिए गए, एंड अलॉन्ग विद दैट ये भी चार्जेस लगाए गए, ये पब्लिक सर्वेंट पे लगते हैं। ठीक, अगेंस्ट A2 से A7, मतलब कि
एक्यूज नंबर 2 से लेकर एक्यूज नंबर 7 के ऊपर ये सारे चार्जेस लगाए गए। इसके अलावा एक A1 था, एक और पर्सन था जो असिस्ट कर रहा था इन लोगों को, ठीक है, तो उसके ऊपर तो ये सारे चार्जेस उसके ऊपर भी लगाए गए, लेकिन जो ये वाले चार्जेस थे वो सिर्फ पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर लगे थे। नाउ देखा जाए तो ये केस पूरी तरीके से आपका रिवॉल्व करता है सोनू के मर्डर के ऊपर, ठीक, जिसको पुलिस ऑफिशियल्स लेके गए थे फॉल्स एक्यूजेशन लगा के एंड उसको टॉर्चर किया, उसके ऊपर झूठा केस लगाया एंड उसको अरेस्ट करके ले गए एंड देन उसको टॉर्चर किया। चार्जेस जो एक्यूज के अगेंस्ट फाइल हुए हैं वो पूरी तरीके से बताते हैं कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट मर्डर में था एंड उन्होंने किस तरीके से कोशिश करी उसको सुसाइड बना के। ये केस रेज करता है कंसर्न अबाउट द पुलिस ब्रुटैलिटी एंड अब्यूज ऑफ पावर। दिस केस क्लियरली बताता है कि भाई पुलिस ब्रुटैलिटी किस तरीके से होती है एंड अपनी पावर का मिसयूज कोर्ट कैसे करती है। 14th ऑफ मार्च 2019 को, ठीक, सब इंस्पेक्टर हिंदवीर सिंह, महेश मिश्रा अलोंग विद कांस्टेबल प्रदीप कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, हरिपाल सिंह, इन सबको सजा सुना दी जाती है 10 साल की बाय ट्रायल कोर्ट। ठीक है, 2019 में फाइनली ट्रायल कोर्ट इस जजमेंट पे पहुंचती है जिसके चलते उन्होंने जिन जिनका नाम मेंशन है इनको 10 साल की सजा सुना दी। और किसके तहत सुनाई कि भाई 304 लगा दिया। 304 लगाने के पीछे रीजन क्या था कि ये डेथ नेग्लिजेंस से हुई है, मारने का इंटेंशन नहीं था, टॉर्चर करने का इंटेंशन था, टॉर्चर किया है लेकिन मारने का इंटेंशन नहीं था, इतना ज्यादा वो टॉर्चर हो गया कि वो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है, तो इसलिए 304 लगाया अलोंग विद अदर सेक्शंस। इंस्पेक्टर कुंवर पाल सिंह इसमें थे जिनको 3 साल की सजा सुनाई गई एंड एक विनोद कुमार पांडे जी थे जिनको लैक ऑफ एविडेंस की वजह से एक्विटल भी दे दिया गया। ठीक, अब जो चार्जेस फाइल हुए थे अक्यूज के अगेंस्ट, ये हाईलाइट करते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट मर्डर में, जो मैंने अभी आपको फिर से पीछे बताया, ठीक, कि किस तरीके से पुलिस की जो ब्रुटालिटी है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने आफ्टर कंसिडरिंग द केस एंड द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड पूरी तरीके से समझा, सीधी सी बात है ट्रायल कोर्ट जो थी, ट्रायल कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया। ठीक, अब उसके बाद ये आपको जो है कोर्ट, ये आपका केस ट्रांसफर कर दिया जाता है दिल्ली हाईकोर्ट को। ठीक है, ऐसे तो ये यूपी का केस था, ये यूपी में चल रहा था, लेकिन इसको जो है ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट को क्योंकि मामला थोड़ा संगीन था, समझ नहीं आ रहा था। तो जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस को समझा, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड देखा, तो हाईकोर्ट ने अब अपहेल कर दिया ट्रायल कोर्ट का जजमेंट, उन्होंने जजमेंट को अपहेल करा। इन्होंने, सोनू के फादर ने एक प्ली लगाई थी, ठीक है, कि कन्विक्शन जो था तो 304 का उसको 302 में कर दिया जाए, इसको भी रिजेक्ट किया। अब इसको रिजेक्ट करने के पीछे रीजन क्या दिया कोर्ट ने, कोर्ट ने कहा जो सेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ठीक है, जिस तरीके से हम इवेंट्स की लिंकिंग को देख पा रहे हैं एंड एविडेंस ऑन रिकॉर्ड जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि डिसीज जो था ही वॉज सब्जेक्टेड टू कस्टडियल टॉर्चर, साफ साफ हमको दिख रहा है कि उसके साथ कस्टडियल टॉर्चर हुआ है विद द नॉलेज दैट इट वॉज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द डिसीज। ये पता है कि उसका कस्टडियल टॉर्चर जानबूझ के करा गया है और नॉलेज भी थी कि डेथ हो सकती है, बट विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ, विदाउट, लग रहा था कि डेथ हो सकती है लेकिन डेथ कॉज करने का इंटेंशन नहीं था। सो नाउ देयरफॉर जो एक्ट है ऑफ कॉजिंग बॉडिली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, इट वुड मेक द अक्यूज्ड गिल्टी ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 304 आईपीसी पार्ट 1 एंड लाइबल फॉर अ सेंटेंस फॉर रिगरस इंप्रिजनमेंट 10 ईयर्स, कोर्ट ने कंक्लूड किया। कोर्ट ने कहा जो एक्ट है जो बॉडिली इंजरी पहुंचा रहा है, ठीक, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती थी, ये बनाता है एक्यूज को गिल्टी ऑफ ऑफेंस किसके चलते, 304 पार्ट 1 में, ठीक, जिसमें हम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गैर इरादतन हत्या, है ना, कि इंटेंशन नहीं था, हत्या हुई है बट हत्या करने का इंटेंशन नहीं था, दिमाग में नहीं था कि भाई उसको मुझे मारना ही मारना है, नॉलेज थी डेथ हो सकती है बट हो जाएगी ये नहीं पता था। ठीक, तो यहाँ पर लाइकली टू कॉज डेथ एक्यूज को इसके चलते 10 साल की सजा सुना दी गई। फर्दर कोर्ट ने कहा कि ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं ये साफ साफ दिख रही हैं, इस पे पर्दा डालने का कोई मतलब नहीं है एंड दे कैन ओनली अंडरस्कोर द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन दैट ऑल पुलिस पर्सनल प्रेजेंट एट दैट नाइट बिलोंगिंग टू पीएस पुलिस स्टेशन सेक्टर 20 नोएडा, जितने भी पुलिस पर्सनल थे जो उस रात को प्रेजेंट थे वो सब सेक्टर 20 नोएडा पुलिस स्टेशन के थे, दे वर समहाउ स्ट्रेचिंग देमसेल्व्स हार्ड टू डिस्क्लेम देयर प्रेजेंस, बहुत दिमाग लगा रहे थे कि अपनी प्रेजेंस को कैसे डिस्क्लेम करें कि हम तो उस समय
पुलिस थाने में थे ही नहीं एट द टाइम पोस्ट लॉजिंग ऑफ सोनू बाय द एक्यूज पुलिस टीम। ठीक, इसीलिए कंप्लीटली क्लियर किया गया दैट कंडक्ट ऑफ ऑल दीज पुलिस ऑफिशियल्स रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस आफ्टर लॉजिंग ऑफ सोनू और अराउंड दैट टाइम लीड्स टू कंक्लूजन दैट सिचुएशन एट दैट टाइम वॉज नॉट फाइन। कम्प्लीटली समझ में आता है पुलिस ऑफिशियल्स के कंडक्ट से जो मना कर रहे हैं कि हम उस वक्त नहीं थे जबकि ये सारे लोग गए थे, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे, इनको देखा गया। ठीक, तो ये इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि उस टाइम जो सिचुएशन थी पुलिस थाने में वो नॉर्मल नहीं थी, दैट सिचुएशन वॉज नॉट एट ऑल नॉर्मल। कोर्ट आगे बोलती है कि व्हाट हैड हैपेंड टू द विक्टिम आफ्टर हिज अरेस्ट और एबडक्शन बाय द अक्यूज्ड पर्सन वॉज विद इन द स्पेशल नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। स्पेशल नॉलेज, बहुत सीधी सी बात है, पुलिस थाने में कोई भी चीज हो रही है कौन देख रहा है। ठीक, यहाँ पर अगर विक्टिम के साथ कुछ भी व्यवहार किया जाता है, विक्टिम कह लो या किसी भी पर्सन को जब अरेस्टेड पर्सन को लेके आते हैं तो उनके साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ, ये सिर्फ वहां के लोगों को पता होता है। तो पुलिस ऑफिसर्स उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं ये सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स को पता है, उसके अलावा वहां पर किसी को नहीं मालूम है। अरेस्ट या अबडक्ट करने के बाद उस विक्टिम के साथ क्या किया गया ये सिर्फ किसकी स्पेशल नॉलेज में था, ये एक्यूज पर्सन की नॉलेज में था, पुलिस ऑफिसर्स की नॉलेज में था। एंड हैविंग नॉट प्रोवाइडेड बिलीवेबल एक्सप्लेनेशन, एंड क्योंकि ये ऐसा एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहे थे जिस पर हम विश्वास कर पाए कि हाँ भाई ये इन्वॉल्व नहीं थे, ट्रायल कोर्ट वॉज राइट इन ड्रॉइंग द प्रिजम्पशन दैट द पुलिस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज अबडक्शन इन लीगल डिटेंशन एंड डेथ। कोर्ट का कहना है, दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि जिस तरीके से इनके इन्हीं के नॉलेज में था कि वहाँ पे क्या हुआ और ये कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाए जिस पे हम विश्वास करें कि हाँ भाई उसने खुद सुसाइड करी थी। ठीक, ट्रायल कोर्ट कंप्लीट तरीके से यहाँ पर सही है जिसने ये एक प्रिजम्पशन ड्रॉ किया कि एक पुलिस ही है यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल है उसके अबडक्शन के लिए, उसके इलीगल डिटेंशन के लिए, उसकी डेथ के लिए। क्लियर कट, दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया। अब इस केस को समझते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ रेफरेंसेस भी दिए, उससे पहले मैं बात करूंगी एक ऐसे रेफरेंस की जिसको ट्रायल कोर्ट ने दिया था। ट्रायल कोर्ट ने जब इस केस को स्टडी किया था तो उन्होंने एक रेफरेंस दिया था, वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस वॉज द फर्स्ट केस जिसमें गाइडलाइंस कही गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द गाइडलाइंस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइंस लेड डाउन करी गई थी जब पुलिस को, जब किसी को अरेस्ट करके पुलिस लाती है, जब पुलिस अरेस्ट करके लाती है तो उसके बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये सारे चीज़ें इसमें लेड डाउन करी गई थी। एक इस पर अलग से मैं एक लेक्चर बनाऊंगी जिसमें मैं डी के बासु की डिटेल स्टडी करूँगी। ठीक, फिलहाल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कौन कौन से केसेस का रेफरेंस लिया वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो केस दिल्ली हाई कोर्ट ने रेफरेंस लिया वो था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस श्याम सुंदर त्रिवेदी। कुछ लाइंस हैं जिसको बहुत ही क्लियरली कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व करा और जिसके बेसिस पर उन्होंने यहाँ पर ये जजमेंट दिया। उन्होंने कहा जो टॉर्चर, इस केस में ये कहा गया था कि जो टॉर्चर होता है पुलिस कस्टडी में, विच ऑफ लेट आर ऑन द इंक्रीज, रिसीव इनकरेजमेंट बाय दिस टाइप ऑफ एन अनरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ द कोर्ट्स। ठीक है, अगर कोर्ट्स यहाँ पर रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखती हैं तो इन जो टॉर्चर्स हैं, ये जो पुलिस कस्टडी में होने वाले जो टॉर्चर्स हैं, इनको बढ़ावा मिलता है बिकॉज ये रेनफोर्स करता है बिलीफ इन द माइंड ऑफ द पुलिस दैट नो हार्म वुड कम टू देम। उनको ये लगता है कि जब कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, कोर्ट कह रहा है कि नहीं भाई पुलिस ऑफिशियल्स कुछ नहीं कर सकते, तो उससे इनको बढ़ावा मिलता है। इनको ये लगता है कि हमको तो कोई हार्म हो ही नहीं सकता अगर कोई भी ऑड प्रिजनर इस लॉकअप में मर जाता है, कोई भी दूसरा तीसरा प्रिजनर जो है अगर मर जाता है लॉकअप में तो मुझे कोई हार्म नहीं होगा बिकॉज देयर वुड हार्डली बी एनी एविडेंस अवेलेबल टू द प्रोसिक्यूशन टू डायरेक्टली इम्प्लिकेट देम विद द टॉर्चर। जो मैंने अभी कहा ये स्पेशल नॉलेज में किसके होता है, उन्हीं पुलिस ऑफिशियल्स की नॉलेज में जो लोग कंडक्ट करते हैं ये काम। तो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमको नुकसान नहीं पहुंच सकता क्योंकि कोई भी एविडेंस प्रूफ दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोसिक्यूशन के लिए जिससे डायरेक्टली पता चल पाए कि हमने टॉर्चर किया है। कोर्ट्स मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट, इस केस में कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट को ये नहीं बिल्कुल भी सोचना चाहिए कि डेथ इन पुलिस कस्टडी इज परहैप्स, मतलब मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट, कोर्ट को इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, कोर्ट इस चीज को नकार नहीं सकती है
कि पुलिस कस्टडी में जो होने वाली डेथ है वो वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ क्राइम है इन अ सिविलाइज सोसाइटी. आप जो बाहर कर रहे हो क्राइम वो तो अलग है, वो तो अलग चल ही रहा है, वो तो हम कह ही रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं है. बट अगर हम कहें उस सिस्टम को बचाने वाले लोग वही उस लॉकअप के अंदर कोई क्राइम कर रहे हैं, उस एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के कोई क्राइम कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा वर्स्ट क्या क्राइम हो सकता है. जो बचाने वाला है जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो खुद ही वो काम करने लग गया, तो फिर हम बाहर वाले को क्या बोलेंगे. ठीक, इन्होंने कहा ये वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ क्राइम है एक सिविलाइज सोसाइटी में जो रूल ऑफ लॉ से गवर्न हो रही है एंड ए सीरियस थ्रेट पोज करता है टू ऑर्डरली सिविलाइज सोसाइटी. हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, वी टॉक अबाउट रूल ऑफ लॉ. हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ का नेचर है, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं, जिसमें पहला क्लॉज कहता है नो वन इज अबव द लॉ, लॉ के ऊपर कोई नहीं है. दूसरा कहता है आपका एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा. तो जब हम इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट नो वन इज अबव द लॉ, तो कानून से ऊपर ये पुलिस ऑफिशियल्स कैसे हो सकते हैं. आप कानून, हम कहते हैं ना कानून को रिप्रेजेंट करने वाले हो आप, यू आर नॉट कानून, लॉ नहीं हो आप. ठीक है, लॉ इज नॉट पुलिस ऑफिशियल्स, आप रिप्रेजेंट करते हो कानून को, आप कानून को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बिठाया गया है और आप ही ये एक्ट करेंगे, तो फिर हम क्या उम्मीद किसी और से लगाएंगे. फर्दर इसी केस में कहा, आगे की जो लाइन्स हैं ये इन कंटिन्यूएशन है. ठीक है, फर्दर कहा गया कि टॉर्चर जो कस्टडी में होता है वो बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को वायलेट करता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स दे रहा है आप उसी को वायलेट कर रहे हो, एंड ये ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट करता है. यहाँ पर आर्टिकल 21 एंड 22 आप इसको वायलेट कर रहे हो, यू आर वायलेटिंग आर्टिकल 21. आप उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेट कर रहे हो, आप उसकी ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो. जो पुलिस की जो एक्सेस ऑफ पावर है, जो माल ट्रीटमेंट है अंडर ट्रायल और डिटेनीज के साथ, या फिर जो सस्पेक्ट्स के साथ ये ट्रीटमेंट करते हैं, ये टार्निश कर देता है सिविलाइज नेशन के इमेज को, उसके ऊपर एक धब्बा ब्लैक स्पॉट डालता है एंड इनकरेज करता है ये मैन इन खाकी को, जिन्होंने खाकी वर्दी पहन रखी है उनको ये इनकरेज करता है कि तुम खुद को लॉ से ऊपर समझो एंड समटाइम्स इवन टू बिकम लॉ ऑन टू देमसेल्व्स. तुम खुद को लॉ के ऊपर समझो. ठीक है, वो ऐसे हो जाते हैं कि वो खुद को समझने लगते हैं हम लॉ के ऊपर हैं, एंड कभी कभी वो खुद को लॉ भी समझ लेते हैं, खुद ही कानून बन जाते हैं. बट ऐसा नहीं है, लॉ के ऊपर आप नहीं हो, नॉट एट ऑल. आप लॉ के बराबर नहीं हो, आप लॉ के नीचे हो. समझ में आया, ये है फंडा. अगर आप खुद को कानून समझ लोगे तो इन दैट केस आप तो फिर किसी को भी बचा नहीं पाओगे. 1985 का एक केस था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम सागर यादव का. इसमें कोर्ट ने कहा था वी वुड लाइक टू इम्प्रेस अपॉन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे इम्प्रेस कर रहे हैं, द नीड टू अमेंड द लॉ appropriately so that policemen who commit atrocities on the persons who are in their custody are not allowed to escape by reason of paucity or absence of evidence. Clearly, court ne kaha hum government ko ke upar ye zor dalna chahte hain ki bhai aap law ko amend kariye. It is the time to amend the law and is kaide se is tarike se you need to amend the law ki policemen jo atrocities commit kar rahe hain un logon ke upar jo custody mein hain अलाउ ना हो उनके साथ, उनके वो ऐसा कर ना पाए कि वो एस्केप करें, वो एब्सेंस ऑफ एविडेंस की वजह से वो भाग ना जाएं. ये ज़रूरी है. पुलिस मैन अगर कोई चीज़ कर रहा है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए. पुलिस ऑफिसर्स अलोन एंड नन एल्स कैन गिव एविडेंस एज रिगार्ड्स द सर्कमस्टेंसेज इन विच पर्सन इन देयर कस्टडी कम्स टू रिसीव इंजरीज वाइल इन देयर कस्टडी. सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स अकेले बात हो रही है और कोई भी एविडेंस नहीं दे सकता, नन एल्स. अगेन फिर से वही चीज़ रिपीट हुई कि उनके अलावा और कौन एविडेंस देगा उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में जिसमें पर्सन इन कस्टडी जो है उसको चोट कैसे पहुंची है. जब आपको हेबियस कॉर्पस इशू किया जाएगा कि आप डिटेन्ड बॉडी को प्रेजेंट करिए, टू हैव द बॉडी, यू हैव द बॉडी, आप प्रेजेंट करो, आप ही हो जो बता पाओगे कि इसके चेहरे पर खरोच कैसे आई है, इसकी बॉडी पर खरोच कैसे आई है. मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों होता है जब किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, जिस वक्त उसको अरेस्ट करके लाया गया उस वक्त उसके शरीर पर क्या कोई निशान था, कोई चोट थी, इसी वजह से वो होता है. क्योंकि फिर जब बाद में पुलिस के बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर चुकी होगी तब फिर से इन्वेस्टिगेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन सॉरी होता है,
जिससे ये पता चलता है कि इस दौरान क्या उसके शरीर पर कोई भी इंजरी आई है। ये चीज क्लियर करती है कि टॉर्चर हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी भी तरह का फिजिकल इन्फ्लिक्टमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक। सो बाउंड बाय द टाइज ऑफ अ काइंड ऑफ ब्रदरहुड दे ऑफन प्रेफर टू रिमेन साइलेंट। भाईचारा बनाते हैं पुलिस ऑफिसर्स जो है, मान लीजिए पांच हैं, पांच में से दो ने मारा पीटा है, तीन चुप रहेंगे, भाईचारा कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में। एंड देन जब ये बोलने के लिए जब ये सोचते भी हैं तो दे पुट देयर ओन ग्लॉस अपॉन फैक्ट्स एंड पर्वर्ट द ट्रुथ। एंड वहां पर फिर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक। 2003 का केस था शकीला अब्दुल गफर खान वर्सेस वसंत रघुनाथ दोगले का, जिसमें कोर्ट ने कहा कि रेयरली पुलिस टॉर्चर के केसेस में, कस्टडियल डेथ के केसेस में डायरेक्ट अकुलर एविडेंस ऑफ द कॉम्प्लिसिटी ऑफ द पुलिस पर्सनल अलोन हु कैन ओनली एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच अ पर्सन इन देयर कस्टडी हैड डाइड। क्लियरली फिर से वही फैक्ट, हर केस में आप देखो तो एक ही चीज रिपीट हो रही है, एक ही चीज हर केस में कोर्ट कह रही है। कोर्ट का कहना है यहाँ पर कस्टडी में कोई नहीं बैठा है जो देख रहा है, जितने लोग बैठे हैं सब एक दूसरे के साथ भाईचारा फॉर्म कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के कहते हैं हम तुम्हारा अपराध छुपाएंगे, तो कौन है जो जवाब देगा, कौन है जो विटनेस बनेगा कि हाँ भाई इनके साथ टॉर्चर हुआ है। जो पुलिस टॉर्चर हो रहा है या कस्टडियल डेथ हो रही है, यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट ओरल एविडेंस तक हमारे पास नहीं होता है, सिर्फ पुलिस पर्सनल ही अकेले हैं जो हमें उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में बता सकते हैं जिसके चलते पर्सन इन कस्टडी की डेथ हुई है। बाउंड एज दे आर बाय द टाइज ऑफ द ब्रदरहुड इट इज नॉट अननोन दैट द पुलिस पर्सनल प्रेफर टू रिमेन साइलेंट। आप देखो ये लाइन समवॉट सेम है पिछले वाले से, ठीक है, पिछले वाले से ये एकदम सेम जा रही है। ठीक वही लाइन जो है कोर्ट ने यहाँ पर भी यूज करी, राम सागर यादव के केस में जो कहा वही कोर्ट ने कहा, कि हो सकता है ना 2003 में भी उस केस को रेफर किया गया हो कि ये टाइज ऑफ ब्रदरहुड से बंधे होते हैं एंड इट इज नॉट अननोन। ये बिल्कुल भी हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हमको नहीं मालूम है कि पुलिस पर्सनल जो है वो चुप रहना ज्यादा जरूरी समझते हैं, एंड मोर ऑफन दैट नॉट इवन परवर्ट द ट्रूथ टू सेव देयर कलीग्स। उनको लगता है झूठ भी मत बोलो सच भी मत बोलो, चुप हो जाओ, चुप रहोगे वो भी लोग बच जाएंगे और तुम्हारे ऊपर झूठ बोलने का कोई अपराध भी नहीं लगेगा। 2012 के पृथ्वी पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में फैक्ट एज टू व्हाट हैड हैपेंड टू द विक्टिम आफ्टर हिज अबडक्शन बाय द अक्यूज्ड पर्सन हैज बीन विद इन द स्पेशल नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, वही बात, एंड देयरफॉर दे कुड हैव गिवन सम एक्सप्लेनेशन। जो बात इस केस में कही कोर्ट ने, जो बात कोर्ट ने इस केस में कही कि जो भी फैक्ट है जो विक्टिम के साथ हुआ है अबडक्शन के बाद, एक्यूज पर्सन ने जो उसके साथ किया है वो एक्यूज पर्सन के ही स्पेशल नॉलेज में है। इन सच अ फैक्ट सिचुएशन द कोर्ट्स बिलो हैव राइटली ड्रॉन द प्रिजम्पशन दैट अपेलेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबडक्शन, इलीगल डिटेंशन एंड मर्डर। सेम चीज, सेम वही चीज कोर्ट ने यहाँ पे डिस्कस करी कि कोर्ट्स यहाँ पर जो है वो एक बहुत सही फैक्ट लेकर आ रही है, प्रिजम्पशन उनका सही है कि अबडक्शन, इलीगल डिटेंशन और मर्डर के लिए ये लाइबल था। ये आपके हो गए कुछ चीजें, दीज आर फ्यू इंस्टांसेस, ये कुछ इंस्टांसेस हैं जिसके बारे में हमने जाना कस्टडियल डेथ के, ठीक है। बट क्या ये चीज यहीं पर खत्म हो जाती है? डेफिनेटली नॉट। कस्टडियल टॉर्चर है, कस्टडियल डेथ है, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक, हम देखते हैं आपके बहुत सारे यहाँ पर मिस यूज ऑफ पावर ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स, बहुत मिस यूज होता है। आए दिन कुछ ना कुछ नए केस लॉज हम देखने को पाते हैं जहां पर पुलिस ऑफिशियल्स अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। ठीक, कभी भी मार दिया, आपने एक रेप केस देखा होगा, हैदराबाद का रेप मर्डर केस है ना, जिसमें क्या था, क्योंकि उससे पहले निर्भया में इतना पब्लिक ने अपोज किया, तो क्या उसके चलते आप क्या पुलिस ऑफिशियल्स अपने हाथ में सारा केस ले लेंगे? प्रियंका मर्डर केस में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सीधा पुलिस ऑफिशियल्स ने रातों रात मार दिया, रातों रात मार दिया। वहीं पे फिर हाथरस का केस आता है, हाथरस के केस में पुलिस ऑफिशियल्स ने क्या किया, घर वालों को बिना बताए उसको रात में जला दिया उसकी बॉडी को। तो आपको अगर कोई पावर दी गई है तो आपको उस पावर का सही यूज करना है, यू कैन नॉट मिस यूज दैट पावर। आप वैसे भी आप अगर उससे कुछ कन्फेस कराते हो, कुछ कहलवाते हो, तो आपके सामने दिया गया बयान तो वैसे भी कोर्ट में नहीं माना जाएगा ना। आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके आप अपने दूसरे तरीके निकालिए ना, आप कैसे इन्वेस्टिगेट करके बातों को पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपना काम आसान बनाना है, मारपीट के उगलवा लिया, खत्म हो गया, ठीक, उसी के बेसिस पर चार्जशीट बना दी आपको लगता है, बट दिस इज नॉट द राइट क्राइटेरिया। आप पुलिस वाले हो, आपका काम है क्राइम के बारे में पता लगाना,
या आप दूसरा मेथड अपनाइए, आप जिस तरीके से और पूछ सकते हैं आप पूछिए, मार पीट के पूछना इज नॉट अ करेक्ट सोल्यूशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कस्टडियल डेथ रिसेंट में जो केस ने जजमेंट दिया। मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगी कि इससे रिलेटेड और भी जो केस लॉज हैं इसकी एक डीप स्टडी करिए, अगर मुझे ज़रूरी लगा तो मैं डेफिनेटली इस पर और नए केस लॉ और भी केस लॉज जो पुराने लैंडमार्क हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी, जो गाइडलाइंस वगैरह लेट डाउन करी गई हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, एंड अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब फॉर डेली केस लॉज एनालिसिस। थैंक यू सो मच।